नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राहुल गुप्ता के साथ। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी थाना क्षेत्र और पुणे थाना क्षेत्र में लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे अपराधियों को सीतामढ़ी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। आपको बताते चले कि इनकी संख्या 5 है। ये जो अपराधी है लगातार ई रिक्शा चालक और खरका में आईटीआई के पास देर रात्रि को जो लोग गुजर रहे थे उस लोगों को चाकू दिखाकर और कट्टा दिखाकर उनसे रुपया छीन रहे थे, बाइक छीन रहे थे। ऐसे अपराधियों पर सीतामढ़ी टाउन थाना द्वारा लगातार और पुनार थाना द्वारा लगातार 48 घंटे के अंतर्गत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें कुछ ऐसे भी अपराधी जो पिछले कुछ मामलों में दर्ज रहे और कुछ ही महीने छूट करके वो फिर से बाहर निकले थे और नए कांड को अंजाम दे रहे थे। घटनाओं के बाद पकड़े गए अपराधियों के साथ सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ क्या देखिए हमारे इस वीडियो में। 27-28 की रात्रि में कुछ अपराधी जो हैं, जो आदतन अपराधी हैं क्योंकि इन सभी का पूर्व से काफ़ी ज़्यादा आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो लोग एकत्रित होकर और एक के बाद बैक टू बैक दो घटना को अंजाम दिए, जिसमें कि पुनौरा में, पुनौरा थाना अंतर्गत खड़का के इलाके में इन्होंने पहले तो दो मोबाइल छीना चाकू इत्यादि का भय दिखाकर और कट्टे का भय दिखाकर। पुनः उसके बाद जो है ये लोग जानकी स्थान जो पोखर है उसके बगल में भी एक ई रिक्शा को रोके और उसमें एक जो सवारी थे इन लोगों को देर रात्रि में इन्होंने उनका लैपटॉप और कुछ पैसे इत्यादि छीनने का ये जो घटना को अंजाम दिया। दोनों ही संदर्भ में क्रमशः पुनौरा एवं टाउन थाना में कांड दर्ज हुआ है। उसके उपरांत हम लोग इसके उद्भेदन में लगे हुए थे, तभी मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के संकलन के आधार पर ऐसा पता चला कि कुछ अपराधी जो हैं वो पुनः रिंगबांध इलाके में एकत्रित हुए हैं, जहां पर थानाध्यक्ष जो हैं टाउन थाना के विनय प्रताप सिंह वो अपनी दलबल के साथ वहां पर घेराबंदी करके उन लोगों को पकड़ने में सफल रहे। उन लोगों को पकड़ने के उपरांत तो उनकी विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया था उसमें भी प्रयुक्त जो चाकू और देसी लोडेड कट्टा था वो सब उनके साथ पाया गया। साथ ही उनसे पूछताछ इत्यादि करने के उपरांत उनके कन्फेशन के आधार पर फिर जो हमने रिकवरी की है उसमें जो भी लूट की सामान थी इन सभी कांडों में मोबाइल लैपटॉप चार्जर इत्यादि सभी कुछ बरामद हुआ। इन जो अपराधी थे उनसे कुछ पुड़िया स्मैक जैसा प्रतीत होता, ब्राउन शुगर जैसा प्रतीत होता सब्सटेंस भी प्राप्त किया गया है। ये जो है इस कड़ी में करीब 48 घंटे के अंदर इन सभी लोगों को हम लोगों ने पकड़कर और इनकी सही ठिकाने पर हम लोग पहुँचा रहे हैं। साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जितना भी ऐसा जो घटना किया जा रहा था इनके द्वारा, इनका बहुत ही एक्टिव गिरोह है, इन सभी लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रिकॉर्ड रहा है। पूर्व में भी इनका लूट छिनतई इत्यादि के कांडों में ये लोग संलिप्त रहे हैं, इनका ये गिरोह की तरह से ऑपरेट करते हैं और काफ़ी बार सभी जेल भी जा चुके हैं। और ये लोग जो है रिंग बांध का जो एरिया है टाउन इलाके में, रिंग बांध, रीगा रोड इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में इनका खास वर्चस्व रहता है, अक्सर ये ऐसी टाइप की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें जो भी लोग शामिल थे टाउन थाना इत्यादि के सभी जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उदय और मुकेश, इनके साथ साथ जो दलबल है सभी लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कुछ सुसेवांग किया अन्य जो उचित पुरस्कार पुरस्कृत करने हेतु उन लोगों को प्रस्ताव भी बढ़ाया जाएगा। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।